तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। इससे पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल और बिहार, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बाद मुख्यतः क्या आएगा, तो ध्यान में रखेंगे मगध साम्राज्य के बाद क्या आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हर एक वंश के बारे में हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले हम लोग हर एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का तो कहाँ से मिलता है, महाभारत से मिलता है, ठीक है। तो मगध राज के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करेंगे तो आपको महाभारत से मिलता है। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, ठीक है। तो महाभारत में आप देखेंगे जरासंध का उल्लेख है, क्योंकि जरासंध की लड़ाई किसके साथ होती है, जिसमें जरासंध मारा जाता है, किसके साथ लड़ाई होती है इनकी, तो भीम के साथ होती है। किनके साथ हाँ लड़ाई होती है, भीम के साथ लड़ाई होती है, द्वंद्व युद्ध होता है, ठीक है, और जिसमें जरासंध क्या होता है, पराजित होता है। इसमें गंगा के उत्तर में विदेह राज और दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख किया गया है। मगध प्राचीन काल से ही ध्यान में राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है, ठीक है। मगध की बात करेंगे तो प्राचीन काल से ही राजनीति उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का मतलब केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्धकालीन समय से में शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, जो आज के दक्षिणी बिहार में स्थित है, ठीक है। तो मगध की बात करें, बुद्धकालीन समय से ही बात करें, बहुत ही शक्तिशाली, ठीक है, महाजनपद में से एक था। और आज के समय की बात करेंगे तो मगध आपको कहाँ पर मिलेगा, दक्षिण बिहार में आपको देखने को मगध आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कालांतर में ये उत्तर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, ठीक है। कालांतर की बात करेंगे मतलब आगे चल की बात करेंगे तो महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन बन गया, मगध बन गया, जो गौरवमय इतिहास, राजनीतिक एवं धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया, ठीक है। आप बाकी जो महाजनपद जनपद जो थे महाजनपद जो थे वो सबके सब क्या हो गया, मगध में ही मतलब क्या हो गया, समा गए। मगध महाजनपद की सीमा के बारे में बात कर ले तो मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत से, पूरब में चंपा से और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। तो एक बार इसका सीमा की बात करेंगे, फिर से जरा सुनिएगा। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में कहाँ से थी, तो गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत से तथा पूर्व में चंपा, ठीक है, पूर्व में चंपा से और पश्चिम में सोन तक मतलब क्या थी, विस्तृत थी। अब मगध की प्राचीन राजधानी की बात करेंगे तो मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी, राजगृह थी। राजगृह कितने पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो क्या बताएंगे, तो राजगृह की बात करेंगे तो पांच पहाड़ियों से घिरी हुई थी। कितने से घिरी हुई थी, तो राजगृह की बात करेंगे तो पांच पहाड़ियों से क्या थी, घिरी हुई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने पहाड़ियों से, तो पांच पहाड़ियों से राजगृह जो थी आपकी घिरी हुई थी, ठीक है। कालांतर में ध्यान रखें मगध की राजधानी कहाँ पे, पाटलिपुत्र हुई, ठीक है। शुरू में तो इसकी राजधानी राजगृह थी, लेकिन आगे चल के इसकी राजधानी क्या बन जाती है, पाटलिपुत्र बन जाती है उदयन के समय में। इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मगध के तत्कालीन शक्तिशाली राज्य की बात करेंगे तो कौशल था, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है, वत्स था एवं अवंती था, ठीक है। तो मगध ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल को, वत्स को एवं अवंती को अपने जनपद में क्या किया था, मिला लिया था, ठीक है। इस प्रकार मगध का विस्तार की बात करेंगे तो अखंड भारतवर्ष के रूप में हो गया, और प्राचीन मगध का इतिहास भी भारत का इतिहास बन गया, ठीक है। तो प्राचीन मगध का इतिहास ही मतलब क्या बन गया, भारत का इतिहास बन गया, ठीक है। और मगध राज्य का उत्कर्ष करने में कई राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन मगध पे जो शासन करने वाला सबसे पहला राजवंश था उसका नाम बृहद्रथ राजवंश था। उसके बाद आपको हर्यक आपको देखने को मिलता है। ये बृहद्रथ राजवंश आपको लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बारे में चर्चा आपको कहाँ पे मिलती है, तो महाभारत में इसके बारे में जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। अगर हम लोग महाभारत की अगर माने, ठीक है, तो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी के राजा वसु के पुत्र बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। बृहद्रथ की बात की, किसके पिता थे, तो जरासंध के पिता थे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। यह सबसे प्राचीनतम और, ठीक है, महाभारतकालीन राजवंश था, ठीक है, सबसे प्राचीनतम भी था और महाभारतकालीन क्या था, राजवंश था। इस राजवंश में कितने राजा हुए, तो इस राजवंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ का पुत्र जरासंध की बात करेंगे तो सबसे मतलब क्या था, प्रतापी राजा था। जरासंध की बोलते थे, इसका शरीर जो था ना दो हिस्सों में मतलब क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था, इसको वरदान मिला हुआ था, ठीक है। इसकी इसको मारना भी काफी कठिन था, ठीक है। आपने अगर महाभारत देखा होगा तो इसके वध करने में, ठीक है, इसको मारने में, ठीक है, भीम के अलावा, ठीक है, कृष्ण जी ने भी बहुत सारी चीजें बताई थी इसे कैसे इसकी मारा जा सकता है इसको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अत्याचारी भी था जरासंध। और जरासंध ध्यान में रखिएगा, ये किसका रिलेट करता है, जरासंध किसका
ससुर था, पता है जरासंध किसका ससुर था? जरासंध किसका ससुर था पता है? नहीं पता है? कंस का ससुर था, ठीक है ठीक है। और इसने क्या कह रहे, कंस की हत्या मतलब श्री कृष्ण जी ने की थी, तो श्री कृष्ण जी से इसकी काफी दुश्मनी थी, ठीक है। तो इसलिए कृष्ण जी ने भी चाल चढ़ के इसकी हत्या मतलब किनसे करवा दिया, तो ध्यान में रखेंगे भीम से, भीम ठीक से। है। हाँ, हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध ने काशी, कोसल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, भंग, कलिंग, कश्मीर, पांड्य और गंधार की सेनाओं को पराजित किया था, क्योंकि उनके पास सबसे शक्तिशाली और मतलब क्या थी, विशाल सेना थी। मतलब बहुत सारी सेनाओं को मतलब इसने क्या कर रखा, पराजित कर रखा था। जरासंध ने इस वंश की राजधानी राजगिरी, राजगिरी का क्या क्या नाम है ध्यान में रखेगा, गिरिब्रज नाम है, कुसार्गपुर नाम है, ब्राह्मणपुर नाम है, और ठीक है बसु बसुमतीपुर नाम है, सबके सब किसका नाम है, राजगृह का नाम है। राजगृह की बात करेंगे तो बहुत ही सेफेस्ट था, क्योंकि उसको प्राकृतिक दुर्ग मिला हुआ था, क्योंकि पांच पहाड़ियों से मतलब क्या हुआ था, घिरा हुआ था, ठीक है। तो एक तरह से देखेंगे तो राजगृह को क्या था, प्राकृतिक दुर्ग भी क्या था, प्राप्त था। जरासंध ने नगर की बाह सुरक्षा के लिए, ठीक है, बाहर की सुरक्षा के लिए एक प्राचीन राजगृह में 45 किलोमीटर का एक, ठीक है, किलाबंदी की थी, ठीक है, का निर्माण करा, जिसमें 32 बड़े और 64 छोटे प्रवेश द्वार थे। दीवार के शिलाखंडों के सुर्खी चूना रावा के घोल से जोड़ कर बनाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसने मतलब जरासंध ने अपने नगर को, ठीक है, राजधानी को काफी अधिक सुरक्षा प्रदान किया था, और इसके लिए इसने मतलब क्या किया, साइक्लोपियन दीवार, साइक्लोपियन दीवार जिसको किलाबंदी कहते थे, उसने मतलब कर रखे थे 45 किलोमीटर के क्षेत्र में, ठीक है। और वहां पे क्या थे, 32 बड़े और 64 छोटे प्रवेश द्वार हुआ करते थे। और यह भी पूछा जाता है, राजगीर नगर को बसाने वाला शिल्पीकार कौन था, बनाने वाला शिल्पीकार कौन था, वास्तुकार था, उनका नाम था महागोविंद था। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या नाम था, महागोविंद, ठीक है। हर नगर का वास्तुकार होता है ना, राजगीर नगर का वास्तुकार की बात करेंगे तो क्या था, ध्यान रखिएगा, महागोविंद था। क्या नाम था इसका, तो महागोविंद था, ठीक है। अब आते हैं जरासंध की पुत्री का नाम जो था ना, आस्ती एवं प्राप्ति, क्या नाम था, आस्ती एवं प्राप्ति की शादी मथुरा के राजा कृष्ण का मामा कंस से की थी, वही बात मैंने पूछा, ठीक है। और ये जरासंध की बात करें, अपनी पुत्री का विवाह जो था, आस्ती प्राप्ति का, किससे किया था, मथुरा के राजा कृष्ण का मामा कंस से की थी। और जरासंध की बात करें, किंस कंस का परम मित्र भी था, ससुर तो था, साथ में क्या था, बहुत अधिक मित्र भी था, और कृष्ण को अपना परम शत्रु मानता था। जब परम शत्रु मानता था, कृष्ण जी को बार बार ये मतलब आता था और परेशान करता था, 17 बार मथुरा पे चढ़ाई की। बाद में जाके कृष्ण जी जब परेशान हो गए, ठीक है, तो उसने अपने राजधानी ही परिवर्तन कर लिया, अपने राजधानी को, जरासंध से ही परेशान होकर अपने राजधानी को कहाँ ले गए थे, द्वारिका ले गए थे, कहाँ ले गए थे, द्वारिका ले गए थे, ठीक है, गुजरात में ले गए, जो कि समुद्र के बीचों बीच थी, ठीक है, जो कि अभी चर्चा में भी था। तो जरासंध की बात करेंगे तो कंस, कंस का ससुर था और कंस का परम मित्र भी था। और श्री कृष्ण जी ने जब कंस की जब हत्या की, वध किया, तो ये कृषि श्री कृष्ण जी का परम दुश्मन बन गया, ठीक है। कहते हैं जरासंध की बात करेंगे, 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे हार मिली। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया, और उसके पुत्र सहदेव को मगध का मतलब क्या बनाया, शासक बना दिया। इसने बहुत सारे शासकों को मतलब कैद करके भी रखा था, तो सबको मतलब छुड़ा कर सहदेव जो सबसे छोटे थे उनको मतलब क्या बनाया गया, मगध का, सबसे छोटा सहदेव ही थे ना, मगध का क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये कहानी जो थी जरासंध की थी, जो कि मतलब ठीक है बृहद्रथ वंश के सबसे मतलब क्या थे, शक्तिशाली शासक थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो रिपुंजय था, क्या नाम था, रिपुंजय। तो बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए, उनका नाम क्या था, तो रिपुंजय था, ध्यान में इसको रखेंगे। और रिपुंजय की हत्या किसने कर दी, तो रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर, ठीक है, अपने पुत्र को मतलब क्या कर दिया, शासक बना दिया। पुलक, पुलक कौन था, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है, पुलक कौन था, तो रिपुंजय का क्या था, दरबारी मंत्री था। तो यहां पे रिपुंजय की बात मतलब कौन बना, पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। अन्य दरबारी, ठीक है, फिर अन्य दरबारी का नाम महिये, ठीक है, महिये ने मतलब क्या किया, पुलक और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी।
और महिये का जो पुत्र हुआ वही बनाया बिंबिसार। क्या बना? तो महिये का जो पुत्र हुआ वही आपका क्या बना? तो वही आपका बिंबिसार बना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो रिपुंजय की बात करेंगे तो बृहद्रथ वंश का क्या था, आपको क्या क्या इसमें याद रखना है सो बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में ये रखना है अंतिम शासक कौन हुआ, रिपुंजय। रिपुंजय के बाद शासक कौन बना, पुलक बना। फिर पुलक की हत्या कौन कर दिया, महिये ने कर दिया। और महिये ने पुलक को मारकर, ठीक है, अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पे बैठाया। और पहला शासक कौन था, बृहद्रथ था। लेकिन इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक की बात करेंगे तो सबसे जरासंघ शक्तिशाली कौन हो जाएंगे, जरासंघ हो जाएंगे, ठीक है। अब आता हर्यक वंश। देखिए हर्यक वंश में कहीं पे 544 और 545, देखिए 544 नहीं मान के चलिए, बहुत जगह पे मैंने 544 ईसा पूर्व भी देखा है, ठीक है। तो इसी समय क्या होता, 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश आपको दिखेगा। और हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे बिंबिसार। बिंबिसार को क्या बोलते हैं, इनको सैनीय कहते हैं या फिर सैनी कहते हैं। कारण क्या था सैनीय और सैनी कहने का, क्योंकि इनके पास उस समय एक बड़ी सेना थी, लाखों की सेना थी इनके पास, ठीक है, अस्थाई सेना थी, 1 लाख की सेना थी। इसलिए इनको सैनीय और सैनिक के उपनाम से किनको जाना जाता है, तो बिंबिसार को जाना जाता है। अनुमानता अगर इनका राज्याभिषेक की बात करेंगे तो 545 ईसा पूर्व के आसपास होती है, 544 भी दिया रहेगा, ठीक है। बिंबिसार ने गिरिब्रज, ठीक है, जिसको राजगीर कहते हैं, उसको अपनी राजधानी बनाई। और हर्यक वंश के दो शक्तिशाली शासक, शुरू के दोनों शक्तिशाली, बाप बेटा दोनों शक्तिशाली थे, बिंबिसार और बिंबिसार के पुत्र की बात, अजातशत्रु किनके समकालीन थे, तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो गौतम बुद्ध के समकालीन केवल बिंबिसार ही नहीं थे, ठीक है, कौन थे, तो अजातशत्रु भी थे, ठीक शत्रु है। भी उनके समय में कौशल के राजा प्रसेनजीत, प्रसेनजीत और बिंबिसार के बीच में क्या रिश्ता था, तो दोनों जो थे शार्वोनई हो गए, ठीक है। प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी बिंबिसार से की थी, ठीक है। अब प्रसेनजीत ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ की थी, अजातशत्रु की थी। अब बेटी का नाम क्या था, तो प्रसेनजीत के बेटी का नाम वजीरा था, क्या नाम था, बजीरा, ठीक है। अब प्रसेनजीत का बहन का नाम क्या था, महाकोशला, क्या नाम था, महाकोशला। अब महाकोशला का विवाह जब बिंबिसार के साथ होता है तो कौशल, जो कौशल नरेश भरतन जी थे, उन्होंने इनको क्या दिया, काशी का एक गांव दिया जहां से बहुत अच्छी खासी आय होती थी, ठीक है। लेकिन बाद में अजातशत्रु तो कपूत निकला, उसने अपने पिता की भी हत्या कर दी। जब पिता की हत्या कर दिया, जब इसका माँ का भी मृत्यु हो गया, तो कौशल नरेश भरतन जी जो था वो उसे जो दहेज में दिया था अपने बहन को, वो ले लिया इस बात से, ठीक है। यह अजातशत्रु काफी आहत हो गया और इसने मतलब क्या कि प्रसेनजीत के ऊपर चढ़ाई कर दी, ठीक है। बाद में प्रसेनजीत को समझौता करना पड़ा क्योंकि काफी शक्तिशाली शासक थी। और फिर से उसको गांव दिया और भी दहेज में बहुत कुछ दिया, साथ में अपनी पुत्री बजीरा जो कि इसकी कजन सिस्टर भी हुई, उनसे मतलब क्या कर दिया था, अजातशत्रु का विवाह कर दिया, ठीक है। अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत प्रमुख शासक थे। अजातशत्रु ने पिता बिंबिसार की हत्या की और उसका पुत्र उदयन अजातशत्रु की हत्या की, इसलिए इस वंश को पृथंता वंश भी कहते हैं। इस वंश के शासक का वर्णन इस प्रकार से है, सबसे पहले आप देखोगे बिंबिसार 544 से लेकर 492, लेकिन इनका वो क्या बोलते हैं यार, कोरोनेशन जो हुआ था राज्याभिषेक, राजकीय हाँ कोरोनेशन, ठीक है, वो 545 में हुआ था, ठीक है। अब बिंबिसार मगध सम्राट का एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था, और सबसे पहला शासक था। मगध को बहुत मजबूत करने में इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसने प्रमुख राजवंशों के वैवाहिक संबंध स्थापित करके राज्यों को फैलाया और शक्तिशाली बनाया, ठीक है। अगर मैं बिहार आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूं ना, एंशिएंट हिस्ट्री अच्छा खासा इसमें दिया हुआ है, 50 पेज के आसपास है, तो आपको नेशनल एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे दक्षिण भारत पढ़ा के खत्म कर सकते हैं। तो नेशनल में ये पढ़ाने के बाद केवल मैं दक्षिण भारत ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिंबिसार ने मगध राज्य की राजधानी गिरिब्रज को बनाया जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी और वैभवागिरी, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं ये आपका जो राजगिरी जो था, इसको क्या था, तो एक प्रकार का प्राकृतिक दुर्ग भी मिला हुआ था, क्या मिला हुआ था, इसको प्राकृतिक दुर्ग का भी एक तरह से सौंदर्य था, ठीक है। यहाँ पे क्या थे, प्राकृतिक दुर्ग थे, ठीक है। रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, याद रहेगा ये विपुलगिरी कौन सा है, विपुलगिरी से कुछ फैक्ट मैंने बोला था याद करने के लिए, भूल गए, गुड। महावीर स्वामी ने यहाँ पे अपना, ठीक है, सबसे पहला उपदेश विपुल गिरी में ही दिया था, ठीक है। महावीर स्वामी ने उपदेश कहाँ पे दिया था, विपुल गिरी में दिया था, ठीक है। तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा दुर्ग था, ठीक है।
इसके पहले जरासंघ ने इसे राजधानी भी बनाया था। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले प्रमुख, सबसे पहले प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से ये करता है। इस विवाह में दहेज के रूप में 1 लाख की वार्षिक आय वाला काशी का प्रांत मिला था। दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के राज चेटक की पुत्री चेलना के साथ करता है। और तीसरा विवाह की बात करें ध्यान रखें मध्य देश, ठीक है, मध्य देश जो कि आप पंजाब, ठीक है, वहां पे राजकुमारी क्षेमा के साथ इसकी तीसरी विवाह हुई थी। तो इसने 3 विवाह किए थे, ठीक है, और भी किए थे लेकिन 3 ऑफिशियल था। ठीक है, उसने उज्जैन, उज्जैन की बात करें अवंती उसकी राजधानी थी, शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ अग्निनायक युद्ध किया, बाद में दोनों की मित्रता हो गई। ठीक है, तो अवंती के ऊपर इसने आक्रमण किया लेकिन चंद्रप्रद्योत भी काफी अधिक शक्तिशाली था। किसी भी प्रकार का युद्ध में कोई फैसला नहीं निकलता है तो बाद में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब चंद्रप्रद्योत जब पांडु रोग से पीड़ित हुआ, पांडु रोग पीलिया को वह कहते हैं, अभी वर्तमान में जोंडिस समझ लीजिए, ठीक है, क्या होता है जोंडिस, जब उससे जब पीड़ित होता है तो बिंबिसार अपने उपचार के लिए, ठीक है, राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था ताकि वो चंद्रप्रद्योत का इलाज करे। ठीक है, जब गौतम बुद्ध बीमार पड़ते तो भी मतलब जीवक को सेवा में भेजा गया था बिंबिसार के द्वारा। ठीक है, उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक है, उपराजा कह लीजिए, प्रांतपति कह लीजिए। ठीक है, तो अंग को किसने मिलाया था, अंग राज्यों को किसने अपने राज्य में मिलाया था जीतकर, तो बिंबिसार ने मिलाया था। ठीक है, अब बिंबिसार महात्मा बुद्ध का, ठीक है, अनुयायी और संरक्षक भी था, हालांकि पहले बिंबिसार आजीवक को फॉलो करता था। ठीक है, लेकिन बाद में किसने महात्मा बुद्ध से जब मिला तो उसका अनुयायी भी बन गया और बौद्ध धर्म का संरक्षक भी बन गया। ठीक है, विनय पिटक के अनुसार अगर बात करेंगे, विनय पिटक के अनुसार अगर बात करेंगे तो बुद्ध से मिलने के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया लेकिन जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता बनी रही। मतलब उसने ऐसा नहीं कि जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, जैन धर्म का जो फाउंडर जो था महावीर से तो इनका रिश्ता था। ठीक है, महावीर का क्या थे ये, क्या तो लगते थे ये साला वगैरह कुछ लगते हैं। ठीक है, तो महावीर से तो इनका रिश्ता था, मतलब एक तरह से घरेलू संबंध था। ठीक है, और बौद्ध और जैन ग्रंथानुसार उनके पुत्र ने उसे बंदी बनाकर, ठीक है, कारागार में डाल दिया जहां से 493 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती। जबकि बिंबिसार के अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मतलब आज तक मतलब समझ में नहीं आता, जब अजातशत्रु को ही मतलब उत्तराधिकारी घोषित किया था तो अजातशत्रु ने फिर उसे बंदी बनाया क्यों, क्योंकि इतिहास तो यही कहता है ना, जब पिता जब अपने पुत्र बड़ा पुत्र को या फिर किसी पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया तो उसको बंदी बना लिया था। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा पुत्र अजातशत्रु ही था, उसे ही मतलब क्या किया गया था, तो अजातशत्रु को ही आप देखेंगे तो इसी को ही मतलब क्या उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, फिर मतलब इसको बंदी क्यों बनाया गया, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, हालांकि इस पे थोड़ा सा विवाद भी है, कोई कहता है नहीं बनाया, किसी ने कहता हत्या की, किसी ने कहता नहीं की, थोड़ा सा ये हालांकि इसका कॉन्सेप्चुअल किसी प्रकार का सटीक जानकारी इसके बारे में नहीं मिल पाता। ठीक है, बिंबिसार को सैनिय कहते हैं, फिर सैनिक कहते हैं, कहने का पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसने सबसे पहले एक बड़ी अस्थायी सेना रखी थी। ठीक है, इससे क्या था, एक बड़ी एक और अस्थायी सेना थी। ठीक है, अस्थायी सेना रखने के कारण इसे क्या करें सैनिय कहते हैं। ठीक है, हम तो महावंश की बात करेंगे, हालांकि महावंश जो भी बात कही वो सारा के सारा झूठ बात ही है, क्योंकि ज्यादातर इतिहास महावंश के कहे बातों पर विश्वास नहीं रखते। उसके अनुसार ये 15 वर्ष की आयु में मतलब सिंहासन में बैठ गया। ठीक है, तो महावंश दीप वंश के अनुसार जितनी भी बातें कही गई ना सब विवाद निकल कर आता है चाणक्य भारतीय लेखक में। क्या, और ये सिंहली, ठीक है, सिंहली बौद्धिस्ट ग्रंथ था। ठीक है, महावंश और दीप वंश, ठीक है, हालांकि जो जो बात कहता है ना सबके सब, लंकन हाँ, श्रीलंकन को सिंहली कहते हैं। ठीक है, विवाद ही निकल कर आता है। ठीक है, तो 15 वर्ष की आयु में क्या हो गया, सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। ठीक है, इसने बौद्ध भिक्षु को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति भी दी थी। ठीक है, प्रमुख शासक की बात करेंगे, हर एक वंश में कौन कौन हुए थे, सबसे पहले बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के उदयभद्र जिसको उदयन भी कहते थे, अनिरुद्ध था, मुंद था, नागदशक, शिशुनाग वंश की बात करें, नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की नींव शिशुनाग रखेंगे, कालाशोक प्रमुख शासक होंगे और शिशुनाग भी। ठीक है, फिर अंतिम शासक की हत्या नंद वंश के महापदम नंद कर देंगे। ठीक है, उसके पांडु, पांडुगति, भूताल, राष्ट्रपाल, ठीक है, गोपीनाशक, दशिक, ठीक है, कैवर्त और घानानंद, घानानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करेंगे और फिर से मतलब किसकी नींव रखेंगे, मौर्य वंश की नींव रखेंगे। तो इतना कहानी आपको ध्यान में नहीं रखना, प्रथम शासक फाउंडर का नाम याद रखिए और अंतिम शासक का भी याद रखिए, बीच बीच में जो प्रमुख शासक होगा जैसे हर एक में अजातशत्रु प्रमुख है, उदयन प्रमुख है, ठीक है,
इसमें काला अशोक प्रमुख है क्योंकि इसके समय बहुत संगीति हुई थी। महापद्म में केवल आपको घनानंद प्रमुख है और महापद्म प्रमुख है, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। और इस किताब में भी इन्हीं के बारे में दिया है, ना कि मतलब भूतपाल, राजपाल, गोविंद नाशक इस सब के बारे में नहीं दिया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखेंगे अजातशत्रु, बजीरा के पति और प्रसेनजीत के दामाद और बिंबिसार के पुत्र। ठीक है, अजातशत्रु 492 में शासक बनता है। ठीक है, 493 में इसकी पिता की मृत्यु हो जाती है, 492 में पिता को कैद करता है और 493 ईसा पूर्व में शासक बनता है। इसके बचपन का नाम पुनिक था। ठीक है, और ये साम्राज्यवादी किस्म का व्यक्ति था। ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य यही था साम्राज्य का अधिक से अधिक मतलब क्या करना है, विस्तार करना। ठीक है, साम्राज्य विस्तार की नीति इसके समय चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। अजातशत्रु ने कोसल एवं मगध के बीच हुए पहले युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित किया, परंतु दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। रीजन क्या था? रीजन वही था, जब इसने अपने पिता को कैद कर दिया तो प्रसेनजीत ने वो गांव जो दिया था 1 लाख रुपया जहां से आता, तो वो ले लिया इससे, तो उसके बाद इसने मामा गांव पे ही मतलब चढ़ाई कर दी। ठीक है, और उसको पराजित भी कर दिया। बाद में देखा इससे बात नहीं बन पाई, प्रसेनजीत कमजोर पड़ रहे थे, तो बजीरा का विवाह जो था प्रसेनजीत से करके फिर से गाँव जो था इसको दे दिया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु अपने कुटतिज्ञ मंत्री, ठीक है, बसकार बड़ा इंपोर्टेंट नाम है। ठीक है, तो बसकार की सहायता से बज्जी संघ जो था उसमें फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, और महात्मा बुद्ध से, ठीक है, महात्मा बुद्ध के पास इसने बरसकार को भेजा था सुझाव लेने के लिए कि बज्जी संघ पे हमला करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा बरसकार को किसके पास भेजा था सलाह लेने के लिए, तो गौतम बुद्ध के पास इसने सलाह लेने के लिए भेजा था, उसका मंत्री भी था, उसका परम मित्र भी था। ठीक है, तो इसने मतलब क्या किया, बज्जी संघ में गया, वहां पे मतलब फूट डलवाया। बज्जी संघ के अनेक संघ थे, तो आपस में सबसे पहले उन्होंने फूट डलवाया, उनको कमजोर किया, और फिर मतलब इसने वैशाली पे क्या किया, हमला किया और वैशाली को मतलब क्या किया, मिला लिया। ठीक है, तो बज्जी संघ के विरुद्ध अभियान के क्रम में उसने दो नए शास्त्रों का प्रयोग किया, महाशिलाकंटक था, एक रथ मुसल था। तो बड़े बड़े पत्थर जो थे फेंके जाते थे, आपने वो फिल्म देखा है क्या, क्या नाम है उसका यार, और बाहुबली टाइप का, बाहुबली में देखिएगा लास्ट में का जो सीन जो होता है रथ मुसल महाशिलाकंटक का जो दिखा है उसी तरह का, मतलब हथियार तो बिल्कुल डिफरेंट थे जो कि उन लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मगध के पड़ोस में 8 कुल हुआ करते थे बज्जी संघ में, जिसमें विदेह, यात्रिक, लिच्छवी, कांत्रिक और बज्जी संघ थे। इन सब में फूट पड़ा दिया और उसके बारे में तो बज्जी संघ को मतलब क्या किया, उसके राजधानी वैशाली पे हमला करके उसको मिला लिया। ठीक है, अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण करके इसे अधिकार में कर लिया और इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य का क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब मगध संग्रह अजातशत्रु का अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती, अवंती अवंती क्या था, इसके पिता से भी उनकी प्रतिद्वंदी थी, हालांकि पिता का मित्र तो चंद्र प्रद्योत बन गया था, तो अजातशत्रु के समय भी बड़ा जो प्रतिद्वंदी जो था अवंती था, लेकिन अवंती को कभी ये लोग जीत नहीं पाए। ठीक है, एक्चुअली में बात है अवंती को बाद में कौन जीतता है, अवंती बाद में शायद नंद वंश का जो फाउंडर था वो शायद अवंती को जीतता है। ठीक है, महापद्म नंद, देखना पड़ेगा, याद से भूल रहा हूँ, लेकिन अवंती इन लोग से तो नहीं जीत पाया था। ठीक है, लेकिन अजातशत्रु ने अवंती पे हमला तो किया था, तो बाद में इसको हमेशा ये डर बना रहा था तो अवंती जब उल्टा जब हमला करेगा तो इसका राजधानी मतलब क्या होगा, सुरक्षित नहीं हुआ, तो इसलिए अपने राजधानी को क्या करता था, परिवर्तन कर देता है। अजातशत्रु अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राजे से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी ग्रीवरस से नई किलेबंदी की, क्योंकि आक्रमण की धमकी दे रहा था। यद्यपि आक्रमण नहीं कर पाया, अजातशत्रु ने राजगीर के इस किलेबंदी के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, उसने किलाबंदी करवाई थी अच्छे तरीके से ताकि अवंती के खतरा को रोका जा सके। अगर धर्म के मामले में बात करेंगे तो धार्मिक और उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने बौद्ध और जैन दोनों मत के अनुयायी को माना जाता है। ठीक है, मतलब इसको बौद्ध भी मान सकते हो, आप जैन भी मान सकते हो। ठीक है, भरत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया है। अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद उसके अवशेषों पर, ठीक है, राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो अजातशत्रु के अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, ठीक है, क्या होता है, महापरिनिर्वाण होता है बुद्ध का। ठीक है, इसका शासनकाल कब था, 492 में था। ठीक है, 492, आप बुद्ध का, आपसे बुद्ध का कब हुआ, ठीक है, 480 में हुआ ना, सॉरी 48, कितना, 483 में हुआ। ठीक है, और ये 492 बना थे, कितना हो गया वैसे, तो अब देखोगे तो 9 साल हुआ, चलो 8 साल ही ठीक है। ठीक है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद
अवशेषों पर राजगिरी में अस्तित्व, क्योंकि बुद्ध का अवशेष कई हिस्सों में बटा था, तो एक अवशेष आपको राजगिरी को भी मिला था, ठीक है। हालांकि ये तो पूरा बोला था अवशेष पे ही मेरा अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक ही अवशेष इसको मिला, ठीक है। कितने अवशेषों में बांटा गया था बुद्ध के अवशेष को? छह जगह पे बांटा गया छह नहीं होगा, आठ ही होगा सर, था। आठ है हाँ सर जी, आठ आठ छह आठ होगा, आठ है हाँ ना। ठीक है, आठ आठ, ठीक है। उसमें से एक हिस्सा मगध को भी मिला था। 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ऊपर राजगिरी की सप्तरणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजन किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस संगीति में, ठीक है, बौद्ध भिक्षु के संबंधित पिटकों में सूत पिटक और बिना पिटक में विभाजित किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था, सूत पिटक और बिना पिटक में, ठीक है, अनुशासन के बारे में था। बिना पिटक अनुशासन के बारे में था, सूत पिटक अनुशासन के बारे में नहीं था, ठीक है। अनुशासन बिना पिटक में था, संघ में जो लोग शामिल होते थे उनके बारे में अनुशासन बिना पिटक में था, न कि मतलब किसमें था, तो सूत पिटक में था, ध्यान में इसको रखना, ठीक है। किसमें था तो ध्यान रखना, बिना पिटक। सूत पिटक में क्या था, तो सूत पिटक में आपको ध्यान में रखना है, सूत पिटक में क्या था, तो सूत पिटक में आपको क्या होना था, क्या बोलते उसको, उसके उपदेश शायद उपदेश थे। गौतम बुद्ध के क्या थे, उपदेश थे। अधिदम पिटक में क्या था, तो अधिदम पिटक में क्या था, दर्शन था, ठीक है। अब सहेली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया, 32 वर्षों तक शासन किया। 460 ईस्वी में उसके पुत्र उदयन ने क्या की, तो उसकी हत्या कर दी। बिंबिसार अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। समन्वय है कि अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध 483 ईसा पूर्व एवं भगवान महावीर 468 ईसा पूर्व जैसे महात्माओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो दोनों का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध की मृत्यु, और 468 ईसा पूर्व में बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा उदयन बचा हुआ, इसको भी खत्म करते हैं। अब पिता के मरने के बाद 460 ईसा पूर्व में क्या होता, उदयन शासक बनता है, या अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। अब बौद्ध ग्रंथों में इसे प्रीतहंता, लेकिन जैन ग्रंथों में इसे प्रीतभक्त कहा गया है, ठीक है। इसकी माता का नाम पद्मावती था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों में इसको प्रीतहंता कहा गया, क्योंकि इसने अपने पिता, ठीक है, अजातशत्रु की हत्या की थी, लेकिन जैन ग्रंथों में इसे माने तो इसे पितृभक्त कहा गया है। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का मतलब क्या था, तो उपराजा था, ठीक है। चंपा का क्या था, गवर्नर हुआ करता था। इसे गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं, नामक नगर को बसाया। उसकी राजधानी राजगीर से मतलब क्या किया, पटना हस्तांतरित कर दिया, ठीक है। तो राजगीर से इसने क्या किया, पटना उसकी हस्तांतरित कर दी, उसकी राजधानी को हस्तांतरित कर दिया, ध्यान में रखेंगे। मगध के प्रतिनिधि राज अवंती के गुप्तचर के द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो अवंती के साथ इसका पिता का ही दुश्मनी था, तो अवंती के गुप्तचर के द्वारा क्या होता है, उदयन की क्या होती है, हत्या कर दी जाती है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक, ठीक है। क्या क्या नाम था, अनिरुद्ध थे, मंडक थे और नागदशक थे। हर एक वर्ष का अंतिम शासक की बात करें, नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था, ठीक है, बहुत कमजोर हो चुका था, विलासी भी था। शासन तंत्र में स्थिरता के कारण जनता में व्यापक संतोष फैला, जिसके कारण राज्य में विद्रोह करके उसका सेनापति की बात करें, नागदशक का सेनापति का नाम क्या था, शिशुनाग जो था वो शासक बन गया। इस प्रकार हर एक वंश का अंत शिशुनाग वंश की स्थापना के साथ हुआ, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का फाउंडर की बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शिशुनाग ही था, ध्यान में इसको रखना, जो कि नागदशक के बाद मतलब क्या होता है, मगध की गद्दी पे आता है, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो शिशुनाग के बारे में कल के क्लास में पढ़ने वाले, जितना भी आज हुआ है आपका, ठीक है, हरेक वंश वगैरह, इन सबको आप लोग क्या कीजिएगा, बौद्ध जैन को एक बार क्या कीजिएगा, सभी लोग रिविजन कीजिएगा। कल हम लोग शिशुनाग और साथ में हम लोग पूरा वो खत्म करेंगे, क्या नाम है उसके यार, मौर्य, ठीक है, मौर्य को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। तो शिशुनाग के बाद नंद वगैरह आएगा, तो सब कल महापद्म नंद, जिसने जिस वंश की स्थापना की थी वो भी खत्म करेंगे, और मौर्य भी कल के क्लास में खत्म करेंगे। तो चलिए कल के क्लास में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।